ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह से एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, जिसमें जो घुटने की जो लाइनिंग है, जिसे आमतौर सामान्य भाषा में ग्रीस कहा जाता है, वो डैमेज हो जाती है। तो पहले अगर आप मैं आपको बताऊं, ये हमारा घुटना है। घुटने के बोन के एंड पे इस तरह से कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो होता है घुटने की मूवमेंट में हेल्प करता है। जब एज बढ़ती है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये कार्टिलेज घिसने लगता है। इनिशियल स्टेज में आपका कार्टिलेज जो है थोड़ा घिसता है, और फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो आपके घुटने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपको दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है। धीरे धीरे जब आर्थराइटिस बढ़ती है तो घुटने टेढ़े हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम जल्दी आती है, कुछ में थोड़ा देर से आती है, और आमतौर में हमने ये देखा है कि लेडीज़ में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। अगर आर्थराइटिस बहुत बढ़ गई है, अगर आर्थराइटिस की वजह से मरीज का इवन रेस्ट में भी पेन हो रहा है, मरीज को अपनी जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, उस केस में इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन अगर पेशेंट की एज कम है तो हम उसमें अलाइनमेंट चेंज करने का ऑपरेशन कर सकते हैं, या कई बार हम उसमें सिर्फ आधा घुटना बदलते हैं। लेकिन अगर आर्थराइटिस बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में हम इसमें पूरा घुटना बदलते हैं। इसमें आपका जो पैर, अगर आपके टेढ़े हैं, वो पैर सीधे भी हो जाते हैं, आपका दर्द ख़त्म हो जाता है, चलना फिरना ठीक हो जाता है। कई मरीज पूछते हैं कि ऑपरेशन के कितने दिन बाद हम चलेंगे, इसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ऑपरेशन के अगले ही दिन से हम आपको वॉकर से चला देते हैं। आपको इनिशियली फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में 3 से 4 हफ्ते में आपका वॉकर स्टिक सब छूट जाता है तथा आप बिना कोई सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हो। पूरी तरह से नॉर्मल चाल आने में इसमें करीब करीब 2 से 3 महीने बढ़ सकते हैं। आजकल के जो पार्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे पार्ट्स आते हैं, जिसमें कि मरीज आराम से पैर मोड़ के भी बैठ सकता है। नॉर्मली भी हमारे जो मरीज हैं उसमें करीब 120-130 डिग्री की मूवमेंट तो आ ही जाती है। प्लस जो पार्ट्स आ रहे हैं उनके मटेरियल भी काफ़ी अच्छे हैं, जिससे इन घुटनों की लाइफ भी बढ़ जाती है। अब जो पार्ट्स लगते हैं उसमें लाइफ कम से कम 15 से 20 साल की होती है, तथा कभी अगर वो ख़राब हों तो उसे बदले भी जा सकते हैं।